Hello everyone, good morning, this is Anil K. Sharma and welcome all of you back to my channel Oracle Tech India. और आज इस वीडियो लेक्चर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है फ्रेगमेंटेशन इन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। तो फ्रेगमेंटेशन में मैं इस वीडियो लेक्चर में हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन के बारे में बताऊँगा। तो फ्रेगमेंटेशन को मैंने दो वीडियो लेक्चर में कवर किया है, एक तो इस वीडियो में और एक इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें। तो फ्रेगमेंटेशन को समझने के लिए मेरे दोनों वीडियोस को देखें और हाँ, वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। तो चलिए फ्रेगमेंटेशन के इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। फ्रेगमेंटेशन इन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में जो फ्रेगमेंटेशन का टॉपिक है वो टॉपिक एक्चुअली जो है तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो टाइप्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन इन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में फ्रेगमेंटेशन के जो टाइप्स है वो तीन टाइप्स है। फर्स्ट को हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं, दूसरे को वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन और तीसरे को मिक्स्ड फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम फोकस करेंगे हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन के बारे में, उसके बाद जो सेकंड वीडियो लेक्चर आएगी उसमें फोकस करेंगे वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन और मिक्स्ड फ्रेगमेंटेशन। तो आइए समझते हैं कि हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन क्या है। हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन, तो हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन को समझने के लिए जो है सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम क्या है और उसका सेटअप किस तरीके का होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम में जो है नेटवर्किंग के अलग अलग साइट्स पे डेटाबेस को स्टोर करके रखा जाता है। तो नेटवर्किंग सिस्टम में लेट सपोज बस टोपोलॉजी या फिर मेस टोपोलॉजी के नेटवर्किंग के एनवायरमेंट में एक साइट पे जो है डेटाबेस स्टोरेज डिवाइसेस जिसमें डेटाबेस को स्टोर किया जाता है, प्लस में प्रोसेसर या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम और प्लस मेमोरी, इन तीनों को मिला करके नेटवर्किंग के एक साइट पे जो है इसको जो है स्टोर कर दिया जाता है, इसका पूरा एक सेटअप तैयार कर दिया जाता है। तो उसको डेटाबेस का एक सेटअप बोलते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से नेटवर्किंग के दूसरे साइट पे डेटाबेस का एक सेटअप तैयार कर दिया जाता है जिसमें डेटाबेस का फिजिकल डिवाइसेस, प्रोसेसर और मेमोरी, ये तीनों चीजें होते हैं। तो इसको बोलते हैं डेटाबेस का दूसरा साइट। बिल्कुल इसी तरीके से नेटवर्किंग के तीसरे, चौथे, पांचवे साइट्स पे जो है डेटाबेस का सिस्टम तैयार कर लिया जाता है। तो ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर कि कितने डेटाबेस का जो है कितने सेटअप्स को तैयार करना है। तो हम ज़्यादा नहीं, लेट सपोज नेटवर्किंग सिस्टम में हमने जो है डेटाबेस के तीन सेटअप को तैयार कर लिया है, यानी कि तीन अलग अलग साइट्स पे डेटा स्टोरेज डिवाइसेस प्लस प्रोसेसर प्लस मेमोरी, इन तीनों को तीन अलग अलग नेटवर्किंग साइट पे इंस्टॉल करके डेटाबेस का सेटअप तैयार कर दिया गया है। अब मुझे इन तीनों साइट्स पे कंपनी की जो इंफॉर्मेशन है उसको टेबल्स में स्टोर करके और टेबल्स की पार्टिशनिंग करके जो है तीन पार्टिशनिंग करके टेबल्स की, और जो है उन तीनों पार्टिशन को अलग अलग साइट्स पे, तीन साइट्स है हमारे पास तो अलग अलग साइट्स पे डेटाबेस के स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर करके रखा जाता है। तो बेसिकली जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम में डेटाबेस का यही सेटअप होता है। अब चलते हैं टॉपिक पे कि हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये है कि जब हम किसी भी टेबल्स को, क्योंकि कंपनी की इंफॉर्मेशन टेबल्स में स्टोर करके रखी जाती है, तो हम किसी भी टेबल्स को जो है उसको क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टली उस टेबल्स को फ्रेगमेंट कर देते हैं, उसको तोड़ देते हैं, उसका पार्टीशन कर दिया जाता है और हॉरिजॉन्टली तोड़ करके
जितने भी साइट्स है, हमारे पास तीन साइट्स है, तो तीनों साइट्स पे इक्वली जो है उस टेबल्स के डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, स्टोर कर दिया जाता है। तो अब समझते हैं हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि वी डिवाइड टपल्स इन सम ग्रुप विच हैव सम लॉजिकल मीनिंग एंड डिस्ट्रीब्यूट्स इट टू डिफरेंट साइट्स। तो हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन में क्या करते हैं, हम टपल्स को ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। तो टपल्स का मतलब यहाँ पर है एक टेबल के अंदर जो रोज होती है उसको टपल्स बोलते हैं। जैसे ये आईडी, ये सॉरी ये तो डोमेन हो गया, ये हो गया 100, अनिल 28, ये फोन नंबर, ये एड्रेस दिल्ली का, और ये रिसर्च, ये पूरी जो लाइन है, ये पूरा जो रो है इसको टपल्स बोलते हैं। एक टपल, उसके बाद 103 का जो रिकॉर्ड है ये दूसरा टपल है, उसके बाद फ्रेगमेंट 2 में जो 104 का ये पूरी लाइन है, ये एक टपल है, एक रो है, और यहाँ पर 108 की जो रो है यहाँ पर ये पूरा एक टपल है। तो हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन में क्या करते हैं, हम टपल्स को डिवाइड करते थे। लेट सपोज कि एक कॉलम है हमारे पास आईडी, नेम, एज, फोन, एड्रेस और डीपीटी नंबर है, और उस एक ही टेबल के अंदर रिकॉर्ड नंबर 101 का है, 103 का रिकॉर्ड भी उसी में है, 104 का रिकॉर्ड भी उसी में है, 108 का रिकॉर्ड भी उसी में है। तो हम क्या करेंगे, उस पूरे टेबल के टपल्स को, उस पूरे टेबल्स के रोज को हम क्या करेंगे, अलग अलग ग्रुप ग्रुप में डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने के बाद जो है अलग अलग ग्रुप को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अलग अलग साइट्स पे। तो लेट सपोज हमारे पास तीन साइट्स है, तो हम टपल्स को तीन पार्ट में डिवाइड करके तीन अलग अलग साइट्स पे ले जा करके डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि स्प्लिट्स टेबल, कि टेबल को आप तोड़ दो बाय रो, रो के हिसाब से तोड़ दो। अगर तीन साइट्स है तो पूरे टेबल्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दो, लेकिन रो के हिसाब से। तो जैसे मैंने पूरे एक टेबल को तीन पार्ट में मैंने तोड़ दिया है, टपल्स को तीन फ्रेगमेंटेशन में मैंने टपल्स को जो है डिवाइड किया है। तो फ्रेगमेंट 1 में मैंने क्या किया है, आईडी, नेम, एज, फोन और एड्रेस और डीपीटी नेम, ये तो पूरा जो है एट्रीब्यूट्स के नेम तो यही रहेंगे। उसके बाद मैंने क्या किया, 101 का जो टपल है वो, 103 का जो टपल है वो, उसका मैंने एक फ्रेगमेंटेशन बना लिया, एक पार्टीशन बना लिया, मतलब एक ग्रुप बना लिया। उसके बाद फ्रेगमेंट 2 का जो है उसमें मैंने आईडी, नेम, एज, फोन, एड्रेस, डीपीटी, ये एट्रीब्यूट्स ऊपर वाले ही होंगे और सेम होंगे, और इसमें क्या किया मैंने, 104 का पूरा एक टपल ले लिया, पूरी एक रिकॉर्ड ले ली, पूरा एक रो ले लिया, ये फ्रेगमेंट 2 हो गया। और उसके बाद फ्रेगमेंट 3 में मैंने क्या किया, आईडी, नेम, एज, फोन और एड्रेस और डीपीटी नेम, ये सेम रहेंगे ऊपर वाले के, और 108 का जो पूरा टपल है, रो है, रिकॉर्ड है, ये मैंने फ्रेगमेंट 3 में ले लिया। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, एक टेबल में जो एक 10 का रिकॉर्ड, 100 का रिकॉर्ड, 103 का रिकॉर्ड, 104 का रिकॉर्ड, 108 का रिकॉर्ड एक टेबल के अंदर सारे थे, तो उस टेबल को मैंने रो वाइज टपल वाइज मैंने तीन फ्रेगमेंट में डिवाइड करके यहाँ पे लिख लिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, फ्रेगमेंट 1 को मैं साइट 1 पे ले जा करके स्टोर कर दूंगा, फ्रेगमेंट 2 को मैं साइट दूसरे पर ले जा करके स्टोर कर दूंगा, और फ्रेगमेंट 3 को मैं साइट तीसरे पर ले जा करके स्टोर कर दूंगा। तो इसी को हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन का मतलब है कि टेबल्स को तोड़ा जाता है रो वाइज टेबल्स को तोड़ेंगे, टपल वाइज जो है टेबल को तोड़ेंगे। अब हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन का जो है एक डायोग्राम को देखते हैं। तो इस डायोग्राम के थ्रू जब हम समझेंगे तो हमें हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इस डायोग्राम में मैंने क्या किया है, एक पूरा
पूरा टेबल है हमारे पास ईएमपी का टेबल, और उसके जो एट्रीब्यूट्स के जो नाम है, फील्ड्स के जो नाम है, वो है आईडी, उसके बाद नेम, एज, फोन नंबर, एड्रेस और डिपार्टमेंट नेम। इसके बाद इसमें जो आईडी है हमारे पास वो है 100, 103, 104, 108, और ये जो है ये पूरी लाइन, इसको रोज बोलते हैं, रो बोलते हैं, टपल बोलते हैं, ठीक है। तो 100 आईडी जो है ये पूरा एक टपल है, पूरा एक रिकॉर्ड है, पूरा एक रो बोलते हैं इसको। 103 ये दूसरी रो है, 104 ये तीसरी रो है, और 108 ये चौथी रो है। तो हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन में मैंने क्या किया कि 100, 103 इन दो रोज को उठा करके मैंने क्या किया है, साइट वन पे ले जा करके इसको स्टोर कर दिया। उसके बाद 104 का जो रिकॉर्ड है, इसको क्या किया मैंने, इसको उठा करके मैंने साइट टू पे ले जा करके स्टोर कर दिया। और 108 का जो रिकॉर्ड है, इसको क्या किया मैंने, इसको मैंने साइट थ्री पे ले जा करके स्टोर कर दिया। तो हॉरिजॉन्टली फ्रेगमेंटेशन का मतलब है कि हम रोज को, टेबल्स को हॉरिजॉन्टली तोड़ रहे हैं। हॉरिजॉन्टली का मतलब कि नीचे, ऐसे हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे खड़ा होता है, और खड़ा होता है तो इस खड़े में मान लीजिए ऊपर के तीन रो को मैंने, दो रो को मैंने एक साइड पे स्टोर कर दिया, उसके बाद एक रो को मैंने दूसरे साइड पे स्टोर कर दिया, एक रो को मैंने तीसरे साइड पे स्टोर कर दिया। तो मान लीजिए 100 या मिलियंस ऑफ रोज है, तो मिलियंस ऑफ रोज में मैंने 1000 रो जो है एक साइड पे जो है स्टोर कर दिया, बहुत सारी रोज मैंने दूसरी साइड पे कर दी, और भी बहुत सारी रो मैंने तीसरी साइड पे कर दी। तो मैंने एक ही टेबल्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, रो वाइज, टपल वाइज, और जो है तीनों को अलग-अलग साइड पे मैंने स्टोर कर दिया। तो अब यहाँ पर हमारा 101, 103 जो है ये साइट नंबर वन पे स्टोर है, 104 का जो रो है वो साइट नंबर टू पे स्टोर है, और 108 जो है वो साइट नंबर थ्री पे स्टोर है। और इसको स्टोर कैसे किया गया है, तो इसको स्टोर किया गया डिपार्टमेंट नेम इक्वल टू रिसर्च। तो यहाँ पे जो है रिसर्च एक रिसर्च का डिपार्टमेंट है, उसमें 101 का रो है और 103 का रो है। तो इन दोनों रो को उठा करके, सिर्फ रिसर्च वाले रिकॉर्ड को उठा करके, रिसर्च वाले रो को उठा करके, रिसर्च वाले रिकॉर्ड को उठा करके मैंने क्या किया, मैंने साइट वन पे स्टोर कर दिया। एचआर वाले रिकॉर्ड को उठा करके मैंने क्या किया, उसको साइट टू पे स्टोर कर दिया, और ऑपरेशन वाले रिकॉर्ड को उठा करके मैंने साइट थ्री पे इसको स्टोर कर दिया। तो हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन में जो है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में इसी तरीके से डेटा को स्टोर करके रखा जाता है, कंप्लीट हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन। तो कंप्लीट हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है कि जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड में बताया है कि मैंने क्या किया, वहां पे मैंने एक टेबल को जो है डिपार्टमेंट वाइज तीन पार्ट्स में तोड़ करके अलग अलग डिपार्टमेंट में जितने भी रोज थे, रिकॉर्ड्स थे, टपल्स थे, उसको ले जा करके मैंने अलग अलग साइट पे स्टोर कर दिया। तो पिछले स्लाइड में जो है डिपार्टमेंट नेम एचआर के दो टपल्स को, दो रोज को मैंने क्या किया, एक साइट पे ले जा करके स्टोर कर दिया। तो उसको बोलेंगे डिपार्टमेंट वन का टपल्स। उसके बाद जो है दूसरा डिपार्टमेंट था हमारे पास रिसर्च डिपार्टमेंट। तो रिसर्च डिपार्टमेंट के एक टपल को, एक रो को, एक रिकॉर्ड को मैंने दूसरे साइट पे ले जा करके स्टोर कर दिया। तो उसको बोलेंगे डिपार्टमेंट टू, यानी कि डिपार्टमेंट टू के रिकॉर्ड को, टपल को, रो को मैंने दूसरे साइट पे स्टोर कर दिया। उसके बाद तीसरा जो डिपार्टमेंट नेम था वो था ऑपरेशन का डिपार्टमेंट। उसमें एक टपल था, एक रो था, तो उसको ले जाकर मैंने थर्ड साइट पे स्टोर कर दिया।
तो उसको डिपार्टमेंट थ्री बोलते हैं, डिपार्टमेंट थ्री का टपल था वो। तो इस तरीके से डिपार्टमेंट वन, डिपार्टमेंट टू, डिपार्टमेंट थ्री, इन तीनों को मिला देंगे तो हमारे पास पूरा का पूरा जो है टेबल्स बन करके आ जाएगा। मतलब एंटायर रिलेशन इसी को बोलते हैं, इसी को कंप्लीट हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। और इन तीनों की कंप्लीट इंफॉर्मेशन की कैसे कैसे डेटा को स्टोर किया गया है, डेटा के जो है फील्ड्स कौन कौन से हैं, कौन कौन सा रिलेशन उसमें जो है प्राइमरी की फॉरेन की क्या लगाया गया, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है डेटाबेस में एक ग्लोबल कैटलॉग होता है। उस ग्लोबल कैटलॉग में इन तीनों की इंफॉर्मेशन रखी जाती है। उसके बाद मैथमेटिकल फॉर्म में अगर हमें रिप्रेजेंट करना है कंप्लीट हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन को, और हमें पूरा का पूरा एक टेबल निकालना, मतलब अलग अलग फ्रेगमेंटेशन को रख करके हमें पूरा एक टेबल्स निकालना है उनमें से, तो हम क्या करेंगे, फ्रेगमेंटेशन वन का जो है डेटा रखेंगे, फ्रेगमेंटेशन टू का रखेंगे, फ्रेगमेंटेशन थ्री का रखेंगे, जितने भी फ्रेगमेंटेशन होंगे उसके बीच में यूनियन लगा करके जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो है कंप्लीट टेबल निकल करके आ जाएगी। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में जो ये हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन वाला टॉपिक था वो इतना ही था। बाकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन और मिक्स्ड फ्रेगमेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम का पूरा टॉपिक फिनिश हो जाएगा, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ लौटेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।